हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं प्ले स्टोर डाउनलोड वेटिंग के लिए या फिर प्ले स्टोर पेंडिंग के लिए। तो वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए। इस सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए आप। हम उम्मीद करेंगे आपका ये प्ले स्टोर का जो प्रॉब्लम है वो हम शायद सॉल्व करवा देंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है वेटिंग फॉर डाउनलोड और डाउनलोड पेंडिंग का जो प्रॉब्लम आता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप। स्टेप वन, सबसे पहले आपको चेक करना है ऑप्शन में जा कर के माय ऑप्शन गेम में कि कोई भी आपका जो अपडेट है वो ऑलरेडी बैकग्राउंड में रन तो नहीं कर रहा, यानी अपडेट नहीं हो रहा है। तो आप चेक कर लें, मेक श्योर कि अगर आपका अपडेट कोई एक भी लगा हुआ है तो आप कोई दूसरा ऐप्स को डाउनलोड या अपडेट करेंगे तो वो अपडेट पेंडिंग में चला जाता है या फिर वेटिंग फॉर डाउनलोड लिख देता है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जब दो डाउनलोड में लगाया तो यहाँ पे वेटिंग फॉर डाउनलोड और इसी तरह का डाउनलोड पेंडिंग आपको दिख जाता है। तो ये काम आपको कर लेना है कि यहाँ पे अगर कोई डाउनलोड में लगा हुआ है या फिर अपडेट में तो उसे कट कर देना, यानी स्टॉप कर देना। नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे हम अगले स्टेप की ओर, स्टेप टू। स्टेप टू के मैं आपको ऑप्शन में जाना है फिर से गूगल प्ले स्टोर के, और सेटिंग्स में जाना है। इसके सेटिंग्स में हम चलते हैं। सेटिंग्स में जा कर के क्लिक करिए और थोड़ा सा नीचे आप आइए। ऐप डाउनलोड प्रीफर्स टू बी है ओवर एनी नेटवर्क कर दीजिए आप, अगर आपका किसी और में है तो। ओवर एनी नेटवर्क का मतलब है किसी भी नेटवर्क के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर हमें नीचे आना है और नीचे आके प्ले स्टोर का जो वर्जन है उसे हमें देख लेना है। यदि कोई अपडेट्स आता है तो अपडेट कर लेना होता है, लेकिन फिर भी ये अपडेट आपको नहीं होगा अगर गूगल प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है तो। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे प्ले स्टोर वर्जन पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक किया मैंने तो यहाँ पर आपका अप टू डेट बता रहा है, यानी मेरा अपडेट है। अगर आपका नहीं है तो आप अपडेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, स्टेप थर्ड। तीन से चार स्टेप आप ये ट्राई करिए। सेटिंग्स में जाना आपके फ़ोन में और आपका जो ऑल ऐप्स होता है वो आपको ढूंढ के निकाल लेना है। एप्लीकेशंस में जाने के बाद आपको जितने भी ऐप्स हैं आपके मोबाइल में उसमें से आपको ढूंढ के निकालना होगा गूगल प्ले स्टोर, और गूगल प्ले सर्विसेज अगर हो तो वो भी आप क्लियर कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन अगर नहीं आता है तो यहाँ पे वो रीजन होता है। नोटिफिकेशन पे हम क्लिक करेंगे, अगर यहाँ ब्लॉक कर देते हैं तो कोई भी आप जब एप्लीकेशन अपडेट करते हैं यहाँ नहीं दिखेगा। तो मेक श्योर कि ये आपका इनेबल होना चाहिए, डिसेबल होना चाहिए। अब यहाँ स्टोरेज पे जाएंगे, यहाँ से हम क्लियर डाटा कर लेंगे, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओके पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम डाटा क्लियर कर लेंगे। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की ओर, स्टेप फोर की ओर। सेटिंग्स में फिर से चलेंगे, फ़ोन के सेटिंग्स में फिर से ऐप्स में जाएंगे, ऑल ऐप्स में जो भी आपका होता है मोबाइल में, और वहाँ पे मोर का आपको ऑप्शन मिलेगा या फिर कोई साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा सिस्टम ऐप्स या शो सिस्टम। सिस्टम ऐप्स में जाना है और उसके बाद अब ढूंढ के निकालना है डाउनलोड मैनेजर, ये सबसे अहम है। तो हम सिस्टम ऐप्स में चले गए हैं और फाइंड करेंगे डाउनलोड मैनेजर। डाउनलोड मैनेजर में जाएंगे और इसका भी डाटा क्लियर कर देंगे। तो हम स्टोरेज पर क्लिक करेंगे यहाँ पे और डाटा क्लियर डाटा पे ओके कर दिए, यहाँ पे मैंने डाटा क्लियर कर दिया। अब आप अपडेट पे लगाइए शायद या फिर इंस्टॉल में तो आपका काम कर जाएगा। अगर फिर भी आप फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम तो आप फ़ोन को एक बार रीबूट कीजिए, यानी कि रीस्टार्ट कीजिए, फिर से फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कीजिए और ऑन कीजिए। अब आपका प्ले स्टोर का जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, यदि आपका इतने स्टेप फॉलो करने के बाद भी यदि काम नहीं किया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक अगली वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़
सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो बनता ही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।